हेलो तो दोस्तों, एक और वैकेंसी में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वैकेंसी लगभग हम दो वीडियो इससे पहले भी बना चुके हैं, बहुत अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला है इस वीडियो पे। तो दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और हम अपडेट लेकर के आए हुए हैं, बिहार पशुपालन विभाग लेटेस्ट वैकेंसी 24 से रिलेटेड है। तो दोस्तों, इस वैकेंसी में जो है एक पोस्ट है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, ये पोस्ट रहने वाला है। तो ये पोस्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का रहने वाला है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन, अगर आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इनके लिए इलिजिबल है। और इसका जो सैलरी है वो क्या होने वाला है, ये सारा चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, और कहाँ कहाँ अभी सीट वैकेंट है ये भी चीज अभी हम बताने वाले हैं आप लोग को इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो इसी प्रकार का नया नया अपडेट हम आप लोग के बीच लेकर के आते रहेंगे, और आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही आवश्यकता है। तो आप लोग वीडियो को जो है जरूर से जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा, अभी इंटरव्यू का डेट आने वाला है, वो सारा चीज अभी हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, और इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना कंपलसरी है, कंप्यूटर चलाने आना कंपलसरी है। और इसके लिए जो सैलरी आपको मिलने वाला है वो 22,000 रुपए के लिए सैलरी मिलेगा। और पशुपालन से रिलेटेड जो भी अपडेट है, पशुपालन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है, ये लेटेस्ट अपडेट है पशुपालन, ये पशुपालन से रिलेटेड नया अपडेट है। इस अपडेट को जो है आप लोग जो भी इसमें फॉर्म अप्लाई किए हैं वो देखिएगा। इसका जो है इंटरव्यू का डेट है, इंटरव्यू डेट 25/7/2024 से, ये 25/7/2024 से जो है इनका इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए जो सीट वैकेंट है, कहाँ पे क्या क्या है, ये सारा चीज अभी हम बताने वाले हैं। तो ये इसका जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का इसमें पोस्ट रहने वाला है। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन विथ कंप्यूटर नॉलेज होना कंपलसरी है। इसके लिए जो आपको कंपनी CTC सैलरी प्रोवाइड करेगा, सैलरी 22,000 रुपया आपको CTC प्रोवाइड करने वाला है कंपनी के थ्रू। तो अभी सीट कहाँ कहाँ खाली है, तो आप लोग को जानना भी जरूरी है कहाँ कहाँ अभी सीट जो है खाली, सीट बचा हुआ वैकेंट सीट है, मतलब सीट खाली है सीट। तो ये गया में भी सीट खाली है, नवादा में सीट खाली है, सुपौल में सीट खाली है, उसके बाद इधर मधेपुरा में है, किशनगंज में है, कटिहार में है, दरभंगा भी अभी खाली है, मधुबनी भी खाली है, लखीसराय भी खाली है, सहरसा भी खाली है। तो दोस्तों, ये सारा लोकेशन जो है ये लोकेशन पे अभी सीट वैकेंट है। तो आप लोग इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, अगर आप लोग वहां से रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट से नियरेस्ट है, तो आप यहाँ पे जो ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो है 25/7/2024 इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो 25/7/2024 से जो इसका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो भी है, डिस्प्ले पे एक नंबर शो हो रहा होगा, वहां से भी आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक से अधिक जो भी आपको इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए वो आपको यहां से अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।